हाँ पढ़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी धनात्मक संख्या 43 हो ना, हाँ किसी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। एवं उसके व्युत्क्रम का योग उसके व्युत्क्रम का योग। उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर एवं उसके व्युत्क्रम के का 4 गुना है। अंतर का 4 गुना है। हाँ वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हाँ पढ़ो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 1/2, 1/2, 3/4, 3/4, √5/3, अंडर रूट 5/3, फिर 1/2। 1/2। देखो सबसे पहले किसी भी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। सबसे पहले धनात्मक संख्या दे रखी है क्या आपको? नहीं दे रखी है तो क्या कंसिडर करेंगे अपन? एक्स करेंगे। अब उसका व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम होता है 1/x। क्या होता है? तो देखो किसी भी धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग। योग बोला तो एक बार इनको जोड़ेंगे, एक्स प्लस 1/x बराबर उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 4 गुना है। तो उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी माइनस का कितना गुना है? 4 गुना। तो ये 4 गुना लिख देंगे। का के इसके साथ ही आ रहा है, एक्स प्लस 1/x, इसको अंदर गुणा करेंगे, 4x माइनस 4/x। क्लियर हो गया? एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो इस एक्स को उठाकर अपन यहाँ लेकर आएंगे और इस 4/x को यहाँ लेकर आएंगे। तो अपने पास हो जाएगा 1/x प्लस 4/x, 4x माइनस एक्स, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स है, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 5, 4 और 1 5, और यहाँ पर हो गया 3x। क्लियर हो गया? इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में हो गया 5 बराबर 3x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा? अब स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट का 5/3। देखो दे रखा कि ऑप्शन में दे रखा ना, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे समझ में कर लीजिए कॉपी।